इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग एक अपडेट खुद समाज कल्याण के द्वारा जारी किया गया है, क्योंकि बहुत सारी मिसकन्फ्यूजन्स थी बच्चों के अंदर कि उनकी स्कॉलरशिप कब आएगी और क्या स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। तो इसके रिगार्डिंग समाज कल्याण ने एक डॉक्यूमेंट्स जारी किया है, एक न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल जारी किया है और सारे बच्चों को बताया जा रहा है। तो क्या है न्यूज़, आइए पढ़ लेते हैं समाज कल्याण के अधिकारियों ने क्या कहा स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। यही है कि 80,000 छात्र छात्राओं को जल्द मिलेगी छात्रवृत्ति। चूँकि इतनी ज़्यादा कंप्लेन जाने लगे थे मुख्यमंत्री पोर्टल पे कि समाज कल्याण ने खुद यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया, न्यूज़पेपर में आर्टिकल दे दिया, स्कॉलरशिप के बारे में अपडेट बता दिया, तो इस पूरे खबर को नहीं पढ़ के सीधे हम समाज कल्याण के अधिकारियों द्वारा कही गई बात जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ लिखा कि शीघ्र ही खातों में जाएगी राशि। ठीक है, यह बात किसके द्वारा कहा गया है, यह बात कहा गया है आरके चौरसिया समाज कल्याण अधिकारी। ठीक है, अब तो आरके चौरसिया जी समाज कल्याण के अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में कह दिया कि जो छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति की योजना के लाभ से अब तक वंचित हैं उनके खाते में शीघ्र ही राशि भेज दी जाएगी। साफ शब्दों में कहा मार्च माह के अंत तक बजट आने के बाद राशि खाते में पहुँच जाएगी। यह कमिटमेंट किसके द्वारा है, आरके चौरसिया समाज कल्याण अधिकारी के, जिनका कहना है कि मार्च माह के अंत तक बजट आने के बाद राशि खाते में पहुंच जाएगी। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आप कहें तो ये पूरी खबर पढ़ लेंगे तो चीज़ें शायद और क्लियर हो जाएं। 80,000 छात्र छात्राओं की को जल्द मिलेगी छात्रवृत्ति। ठीक है, पूरी खबर क्या है, छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित 80,000 छात्र छात्राओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। बिल्कुल खबर है, छात्रवृत्ति का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। कब तक, मार्च माह के अंत तक संबंधित छात्र छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति की राशि पहुंच जाएगी। अब लेट क्यों हो गया, ये मामला इतना लेट क्यों हो गया, अभी तक पहुंच क्यों नहीं पाया छात्रवृत्ति, उसके बारे में यहाँ भी लिखा है कि दरअसल प्रथम चरण में अनुसूचित व सामान्य पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के लगभग 84,000 ऑलमोस्ट 84,000 स्टूडेंट्स के खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेज दी गई थी। विधानसभा चुनाव के चलते लगी आचार संहिता के चलते शेष 80,000 छात्र छात्राओं के खाते में राशि नहीं पहुंच सकी थी। अब जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की तरफ है तो ऐसे में मार्च माह के अंत तक बजट आने के बाद संबंधित के खाते में राशि भेज दी जाएगी। आगे यहाँ पे लिखा गया कि छात्र छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने के लिए किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या ना हो इसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाता है। और अब कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि कितने बच्चे हैं, जैसे कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं में लगभग 2.25 लाख छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल रहा है। शिक्षा सत्र 2021-22 में बीते दिनों छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाने के लिए छात्र छात्राओं के खाते में राशि भेजे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, लेकिन क्या हुआ था, विधानसभा चुनाव के पहले अनुसूचित जाति की कक्षा 9 व 10 के 13,535 छात्र छात्राओं की तुलना में 7,000। देखिए यहाँ पे साफ कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि कितने बच्चों का एप्लीकेशन यहाँ पे कंफर्म हुआ था और कितने बच्चों को मिला है। जैसे कि यहाँ पे कक्षा 9 से 10 के बारे में बताया गया कि 13,000 छात्रों का आया था जबकि 7 का ही भुगतान हुआ, और यहाँ पर नीचे दिया गया है कि 1,78,00,000 रुपये भेजे गए। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों, कि किस वर्ग में, जैसे सूचित अनुसूचित समाज सामान्य अल्पसंख्यक वर्ग के कितने छात्रों की बाकी है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। और लास्ट में जो समाज कल्याण का कमिटमेंट है वो यहाँ पे दिया गया है कि समाज कल्याण विभाग के अनुसार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र लगी आचार संहिता के चलते अनुसूचित सामान्य पिछड़ा व अल्पसंख्यक के लगभग 80,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल सका था। अब जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के करीब है तो ऐसे में मार्च माह के अंत तक बजट आने के बाद संबंधित छात्र छात्राओं को के खाते में राशि भेज दी जाएगी। तो दोस्तों यही बात कही जा रही है समाज कल्याण के अधिकारियों द्वारा कि मार्च माह के अंत तक छात्र छात्राओं के अकाउंट में राशि भेज दी जाएगी। तो ये एक ऑफिशियल न्यूज़ है, ना मेरी कोई ओपिनियन है, ये सीधा एक न्यूज़ थी आपसे संबंधित और आप तक पहुंचाना ये मेरा फ़र्ज था। तो दोस्तों मेरी कोशिश थी कि इसके बारे में मैं आपको बता दूं ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। उम्मीद है ये चीज़ें समझ सुन के आपको कुछ तसल्ली और राहत मिली होगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी राय बता सकते हैं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को
शेयर करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।